ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को एक पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे दिलाएं। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है, वो भी तो बीरबल से अपने एक वादा किया था। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया।